गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कलमा की किस्में। तो इससे आपको बात समझ में आ गई होगी कि आज हम लोगों को उर्दू ग्रामर पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों का जो है बुक से लगभग 7 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब जो है 4-5 रोज़ जो क्लासेस चलेंगे वो ग्रामर के चलेंगे, कवायद से। तो आज हम पढ़ेंगे कलमा की किस्में। इससे पहले भी पढ़ा था लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से ढंग से पढ़ रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाए। और आप देख सकते हो कलमा की किस्में दाहिने तरफ सारे किस्मों को लिखा गया है। कलमा की 5 किस्में: इस ज़मीर, सिफत, फेल, हर्फ। इसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ज़मीर को इसमें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। सिफत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और फेल को इंग्लिश में वर्ड। इसी तरह से हर्फ को प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो कलमा की किस्में हैं जो दाहिने तरफ आपको नज़र आते होंगे, 5 किस्में। अब आइए वन बाई वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इस्म। इस्म कहते हैं किसको? इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, जैसे पटना, अहमद, किताब, हवाई जहाज़ वगैरह। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी चीज़ का नाम हो, चाहे वो जगह का नाम भी हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस्म बोलेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं लिखा हुआ ज़मीर, दूसरे नंबर पे ज़मीर है कलमा की किस्मों में से। दूसरे नंबर पे ज़मीर, ज़मीर वो कलमा है जो इस्म के बदले में आए, जैसे ये, वो, इधर, यहाँ। यानी जिस तरह से इंग्लिश में आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा और जो प्रोनाउन का काम है वही काम ज़मीर का है। इस्म के जगह पे इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज होते हैं, जैसे आपने कहा कि ए लड़का इधर आओ, या फिर आप ये कह सकते हो कि अहमद रोज़ाना स्कूल जाता है, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे आपने वह का इस्तेमाल किया, किसके लिए? अहमद के लिए। तो अहमद नाम का इस्तेमाल ना करके आपने कहा कि वो पढ़ने में तेज़ है। फिर इसके बाद तीसरी जो किस्म है वो है सिफत। सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं। सिफत वो कलिमा होता है जो इस्म या ज़मीर की खूबी या खामी को ज़ाहिर करे, जैसे अच्छा, बुरा, नया। हम कह सकते हैं कि आपका रुमाल बहुत अच्छा है, आपका रुमाल नया है। तो ये क्या है? रुमाल के बारे में बता रहा है, उसकी खूबी को बता रहा है। हम ये भी सकते हैं कि आपकी आदत बुरी है, तो ये खामी को बताया जा रहा है। यानी सिफत का जो काम है वो है अच्छाई या बुराई बताने का। उसके बाद है फेल। फेल वो कलिमा है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, जैसे सोता है, सोएगा, खाता है, खाएगा, पीता है, पिएगा, पढ़ा लिखा, पढ़ेगा वगैरह। तो फेल जो है ज़माने के अतबार से काम करने का पता चले उसे फेल कहते हैं। उसके बाद है हर्फ। हर्फ वो कलिमा है जो न तो इस्म हो और न ही फेल हो, मगर इस्म और फेल को आपस में मिलाकर मतलब पूरा करे। यानी हर्फ वो कलिमा होता है जो न तो इस्म होता है और न ही फेल होता है, मगर इस्म और फेल को आपस में मिलाकर के मतलब पूरा करता है। जैसे की, का, के, को। एक दो सेंटेंस हम बोलते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेज़ पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि आज हम लोग छत पर सोएंगे। तो यहाँ पे पर का जो पर जो आया ये हर्फ है, ये छत को और आज हम लोग छत पर सोएंगे, तो दोनों जो वर्ड है सोना और उससे पहले वाला जो वर्ड है दोनों को आपस में जोड़ रहा है और एक मीनिंगफुल जुमला बना रहा है। और अगर यहाँ पे पर नहीं रहेगा तो सेंटेंस क्या होगा? आज हम लोग छत सोएंगे। तो जुमले मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। तो
तो इसीलिए हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रूम में जाओ, या फिर उसके बाद उसकी जगह पर आप ये बोलोगे रूम जाओ, तो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं, मुकम्मल नहीं। अगर हम बोलेंगे रूम में जाओ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आ करके जुमले को और मीनिंगफुल बना रहा है। तो इस तरह से आपने पांच किस्में पढ़ी है। एक चार्ट के ज़रिए आप समझ सकते हो, आप देख रहे हो कि सबको अलग अलग कलर में इंडिकेट किया गया है। जो इस्म है उसे रेड कलर से शो किया गया है, जो ज़मीर है उसे ब्लैक कलर से दिखाया गया है, और जो सिफत है उसको येलो कलर से, और जो फेल है वो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया हुआ। इसी तरह जो हर्फ है वो ग्रीन कलर से, हरे रंग से अंडरलाइन किया हुआ। जैसे इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, तो इसमें मैं जो आया है वो क्या है, हर्फ है, और आम किसी चीज़ का नाम है, यानी खाने वाली चीज़ का, फल का नाम है, तो ये इस्म हो जाएगा। इसी तरह से ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूँ, तो उन्हें क्या है, उन्हें ज़मीर है, और खाना क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, तो यहाँ पे पुख्ता जो है सिफत है, आम के बारे में बता रहा है कि वो पुख्ता हो यानी पका हुआ हो, और खाम भी सिफत है, और भेजना फेल है। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा, और का हर्फ है। तो बच्चों इस तरह से आप आज जो लेसन था, जो सबक था आज का, वो था कलमा की किस्मों को समझा आपने, और इसको और अच्छे से आप लोग घर पे रिवाइज़ करो। हो सके अगर आपके पास बुक हो तो उससे हेल्प लो, और उसको समझो, पढ़ो। फिर हम लोग कल इंशाल्लाह जो दूसरा चैप्टर उसको पढ़ेंगे।